खरगोन में पुलिस ने आगामी त्योहार को लेकर पुलिस लाइन परेड ग्राउंड पर बलवा ड्रिल और मॉक ड्रिल परेड का अभ्यास किया। एसपी धर्मवीर सिंह की मौजूदगी में जिले भर के पुलिस अधिकारी और करीब 300 पुलिस कर्मियों ने बलवा परेड में हिस्सा लिया। इस दौरान दंगाइयों से निपटने के लिए पुलिस ने टियर गैस, लाठीचार्ज और बंदूक भी चलाई। रिहर्सल के दौरान पुलिस ने अपनी खुद की तैयारियों का जायजा लिया। बलवा परेड के दौरान पथराव, आगजनी का प्रयास किया गया। इस दौरान रिहर्सल में 2 पुलिसकर्मी सहित 2 आम जन घायल हुए। एम्बुलेंस से 4 लोगों को जहां अस्पताल पहुंचाया गया, वहीं मौके पर पहुंचे फायर ने आग पर काबू पाया। पुलिसकर्मियों के द्वारा किए गए प्रदर्शन से एसपी संतुष्ट नजर आए। इस दौरान एसपी धर्मवीर सिंह ने बलवा परेड का निरीक्षण के साथ पुलिसकर्मियों के ड्रेस कोड भी देखी और आवश्यक निर्देश दिए। एसपी धर्मवीर सिंह ने मीडिया को बताया कि आगामी त्योहार को लेकर कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस अलर्ट है। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। Come on.
खरगोन पुलिस लाइन में खरगोन जिले के सभी राजपत्रित अधिकारी, सभी थाना प्रभारी और पर्याप्त बल के साथ में पुलिस की बलवा ड्रिल का अभ्यास किया गया है। बलवा ड्रिल पुलिस की रेगुलर एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज के माध्यम से कानून व्यवस्था की स्थितियों को कैसे कंट्रोल किया जाए, पुलिस का एक्शन किस प्रकार से होगा, उसकी हम लोग रिहर्सल करते हैं। आज लगभग 300 के आसपास जवान इस बलवा ड्रिल में शामिल हुए हैं। इनको बलवा ड्रिल की सामग्रियों का कैसे उपयोग किया जाए, भीड़ को नियंत्रण करने के लिए कारगर बल का प्रयोग कैसे किया जाए, ये सारी टैक्टिकल एक्सरसाइज की गई है। ये टैक्टिकल एक्सरसाइज आने वाले समय में जो त्यौहार हैं, जो कानून व्यवस्था की ड्यूटियाँ हैं, उनमें निश्चित रूप से हमारे फोर्स में बहुत उच्च मनोबल का संचार करेगी। और जो हमारी रिहर्सल है, जो हमारी प्रैक्टिस है, इसके माध्यम से बड़ी कानून व्यवस्था की चुनौतियों को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से डील करने में कामयाब होंगे। तो एक्सरसाइज बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन अपने वाहनों की भी चेकिंग करते हैं, वाहनों में हमारे सुरक्षा के उपकरण क्या हैं, हमारे पीए सिस्टम की फंक्शनिंग क्या है। तो पूरे फोर्स को हम लोग गियर अप कर रहे हैं, जिससे कि आगे आने वाले त्यौहारों में और कानून व्यवस्था की चुनौतियों से निपटने के लिए हाई मॉरल के साथ में, बड़े मोटिवेशन के साथ में और टैक्टिकल तरीके से हम डील कर सकें। सर, रामनवमी को जिस तरह से एक साल होने में आ गया है, और रामनवमी को लेकर किस तरह की तैयारी? देखिए, 30 तारीख को रामनवमी के लगभग 11 चल समारोह जिले में आयोजित होंगे। इन सभी चल समारोह के लिए जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, आयोजक हैं और समाज के विभिन्न सामाजिक संगठन हैं, उनके साथ हमारी और जिला दंडाधिकारी महोदय की लगातार संवाद हो रहा है। समाज में एक विश्वास की भावना हम लोग पैदा करने में कामयाब रहे हैं। सभी वर्गों के साथ हम लोग संपर्क बनाए हुए हैं। तो मुझे लगता है कि सारे आयोजन बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से, बहुत ही भव्य तरीके से, गरिमापूर्ण तरीके से आयोजित होंगे। इन सारे आयोजनों में हम लोगों ने बहुत पुख्ता इंतजाम लगाए हैं। ये जो आज की एक्सरसाइज है, ये भी इसी कड़ी में एक कदम हमने लिया है। तो लगातार हम लोग होमवर्क कर रहे हैं। सारे आयोजन हमारे सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होंगे। हम पूरे चल समारोह के रूट पर सीसीटीवी कैमरे लगा रहे हैं। हमारी जो गली लेवल पर, मोहल्ले लेवल पर बैठकें हो रही हैं, सभी आयोजकों से बैठक हो गई है। बहुत ही टाइमलाइन तय की गई है और हमें पूरा विश्वास है जो टाइमलाइन प्रशासन तय करेगा उसका आयोजक लोग भी पालन करेंगे। तो एक बहुत ही अच्छे सौहार्दपूर्ण वातावरण में, बहुत शांतिपूर्ण वातावरण में सारे त्यौहार संपन्न होंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। सर, अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया जाएगा? निश्चित रूप से, हमेशा चूँकि बड़े आयोजन होते हैं, बड़े आयोजनों में 11 चल समारोह शहर में आयोजित होंगे, तो जिले का बल पर्याप्त नहीं है। उसको देखते हुए अतिरिक्त बल की मांग की गई है और जैसा विगत वर्षों में बल उपलब्ध हुआ है, इस बार भी मिलेगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।